सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शिवराज को फटकार, मोदी शाह के उड़े होश, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रकार का धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया, जिसमें जिलाधिकारी को सूचना दिए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। बता दें, शीर्ष कोर्ट ने कहा, हर धर्मांतरण को अवैध नहीं कह सकते। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि कुमार की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने 2021 में बने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के सेक्शन 10 पर स्टे दिया था। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने शीर्ष कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की स्पेशल लीव पिटीशन को मंजूर करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। मेहता ने कहा, अगर शादी का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के लिए किया जाता है तो हम आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। बताते चले, हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को MPFRA की धारा 10 के तहत उन वयस्कों पर मुकदमा न चलाने का निर्देश दिया है जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। हाई कोर्ट ने पिछले साल 14 नवंबर को कहा था कि इस कानून की धारा 10 के तहत धर्मांतरण के इच्छुक नागरिक को इस संबंध में 60 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।